हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये स्क्रीन पर आपको केमिस्ट्री का 2019 में जो HSBT फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आया था वो दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी पे चलते हैं, क्योंकि सेक्शन ए हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द पोर पॉइंट। यहाँ पर हमें पोर पॉइंट को डिफाइन करना है। ये पोर पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट होता है। यहाँ ये क्वेश्चन है लुब्रिकेशन यूनिट से। पोर पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेटिंग ऑयल सीज टू फ्लो और पोर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड पोर पॉइंट। मीन्स वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्लो करना बंद कर दे उसे हम कहेंगे पोर पॉइंट। और ये कब होगा? जब टेम्परेचर डाउन होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ऑयल की जो फ्रिज होने की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के केस में देखना है, क्योंकि मशीन्स हैं वो हमें ठंडे इलाकों में भी यूज करनी पड़ती हैं, गर्म इलाकों में भी यूज करनी पड़ती हैं। तो वहाँ जो लुब्रिकेशन का जो प्रोसेस है, जो भी उसमें लुब्रिकेंट यूज होता है, उससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये एक मेन पॉइंट है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल है, अगर उसको हम यूज कर रहे हैं किसी ठंडे इलाके में जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर है, तो क्या होगा, एक तरीके से वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो खुद ही जमना शुरू कर देगा, फ्लो करने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। जब वो मशीन के सभी पार्ट्स पर फैलेगा ही नहीं, उनको कवर ही नहीं कर पाएगा, मीन्स अपना जो मेन काम है वो नहीं कर पाएगा, तो फिर वहाँ पर उसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ द पोर पॉइंट ऑफ गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी लो, मीन्स हमारे पास जो लुब्रिकेंट हैं वो इस टाइप के होने चाहिए, या फिर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उनका ये जो पोर पॉइंट है वो बहुत कम होना चाहिए। मीन्स माइनस में भी काफ़ी नीचे अगर टेम्परेचर चला जाए तो वहाँ पर भी वो फ्लो करता रहे, वो जमने की कैपेसिटी पे ना आए, वहाँ पर वो फ्लो करता रहे और अपना काम करता रहे। ऐसा नहीं कि वो फ्लोइंग कैपेसिटी है, वो जो बहने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। द प्रेजेंस ऑफ वैक्सेज इन लुब्रिकेटिंग ऑयल इंक्रीजिज इट्स पोर पॉइंट। जो हमने पहले भी पढ़ा है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल में जो लिक्विड लुब्रिकेंट है और सेमी सॉलिड है, उसमें बताया कि वैक्स मिक्स होती है, तो उसमें इसकी प्रॉपर्टी बताई कि वो क्या करती है, इंक्रीज करती है किसको, इसके पोर पॉइंट को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पॉलीमर। द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच कंटेन रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट, जो यूनिट बार बार रिपीट होती रहती हैं जॉइंट होने वाली जो रिपीटिंग यूनिट हैं, जिनको हम क्या कह रहे थे, मोनोमर्स, आर कॉल्ड पॉलीमर्स। मीन्स मोनोमर ही बार बार ऐड होके पॉलीमर बनाती हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, PVC एटसेट्रा। PVC यहाँ पर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है उसको हमें बताना है। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। कॉपर, एल्यूमिनियम आर रिफाइंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मीन्स इस मेथड से कौन सी मेटल रिफाइन की जाती हैं, तो ये इसके एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया कॉपर एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्मेल्टिंग। मेटलर्जी में दो प्रोसेस हम यूज करते हैं, स्मेल्टिंग और रोस्टिंग। तो यहाँ ये स्मेल्टिंग पूछ लिया और ये अल्टरनेटिव और ये लगातार आते रहते हैं, कभी स्मेल्टिंग कभी रोस्टिंग, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम स्मेल्टिंग का पढ़ते हैं कि स्मेल्टिंग है क्या। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑर बाय हीटिंग इट विद कॉक और CO एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग।
iron is extracted from hematite by heating with coke. Next question है, define octane number. ये fuel जो हमारी unit है वहाँ से है. The percentage of isooctane by volume in the mixture of isooctane and n-heptane which have same knocking properties as petrol under examination is called octane number. इसमें भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे बैक ईयर्स के तो कभी ऑक्टेन नंबर और कभी सीटेन नंबर ये लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. मींस वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या वजह है वो हमें बतानी है. तो यहाँ हमने पहले भी पढ़ा है कि जो वाटर की हार्डनेस है वो दो टाइप से होती है, एक है टेम्परेरी और दूसरी है परमानेंट. परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो यहाँ हम पॉइंट वन में बता सकते हैं क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये है फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड सेकेंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मीन्स कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट. जो परमानेंट हार्डनेस है वो इन चार केमिकल्स की वजह से हो सकती है ये हम बोल सकते हैं.